नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हम हार्दिक स्वागत करते हैं तहे दिल से। तो दोस्तों, हम आपको आज ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जरिए हम दीवार के उस पार देख सकते हैं? तो आपको बता दें, वह खिड़की। खिड़की के कारण हम दीवार के उस पार देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीवन में 2 बार फ्री मिलती है, लेकिन तीसरी बार लेने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है? तो वो है दांत। क्योंकि दांत जीवन में 2 ही बार मिलते हैं, और तीसरी बार जब कोई मुक्का मारकर तोड़ देता है, फिर औंधे हो जाते हैं, तो हमें तीसरी बार लगवाना पड़ता है लोहे के, सोना के, चांदी के। सोने के नहीं लगवाते भाई, कभी कभी लगवा लेते हैं, पता नहीं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन यह है कि ऐसा कौन सा काम है जो हमारे समाज में हिंदू कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती? ऐसा कौन सा काम है हमारे समाज में जो हिंदू कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती? तो काम है मांग भरने का, क्योंकि मांग शादीशुदा लड़कियां ही भरती है, शादीशुदा महिला ही भरती हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न पर। एक पेड़ पर मैं और मेरे 5 दोस्त बैठे थे, अर्थात मुझे मिलाकर हम 5 दोस्त एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। अब 2 दोस्तों ने नीचे गिर के मरने का फैसला कर लिया। तो बताइए, नीचे गिर कर मरने का सोचा, तो अब बताइए कि पेड़ पर कितने दोस्त बचे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 5ों दोस्त बचे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अभी फैसला किया है, सोचा है, वह अभी कूद के मरे नहीं हैं। और वैसे यहाँ पर कौवा बैठने वाले थे, लेकिन गलती से हम बैठ गए। अब हम आते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत की पहली महिला IAS कौन है, अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैन वुमेन कौन है? भारत की पहली महिला IAS है अन्ना, क्या अन्ना रामजन मल्होत्रा। कौन है? अन्ना रामजन मल्होत्रा जो हैं, वे भारत की पहली महिला IAS अधिकारी है, कलेक्टर है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी और 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न यह है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह आवाज़ आपने रेलवे स्टेशन पर सुनी होगी, यह आवाज़ किस महिला की है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सरला चौधरी की आवाज़ है यह। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाय बाय। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्या लिखा है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, बशर्ते उन्हें अपनी योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।